नमस्कार दोस्तों, कान्हा रिपेयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कूलर का ये मोटर है हमारा जो है स्लो चलता है, इसका हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों इसमें दो तीन प्रॉब्लम आते हैं जिसके वजह से जो हमारा कूलर का मोटर होता है वो स्लो चलता है। एक तो होता है बेरिंग के प्रॉब्लम आने से होता है, और एक तो होता है हमारा कैपेसिटर जो कमज़ोर हो जाता है उसके वजह से। देखिए दोस्तों, मैंने कूलर को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं इनका स्पीड बहुत कम है अभी, और मैं बाद में दिखाऊंगा दोस्तों जब इसमें जो कैपेसिटर को लगाऊंगा। तो दोस्तों आप कैसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटर का प्रॉब्लम है या हमारे बेरिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों? तो आप एक दो बार पंखड़ी को घुमा के देख सकते हैं दोस्तों, उससे आवाज़ आ रहे हैं या वहाँ कहीं जाम लग रहा है, तो ये आप उपाय करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपका पंखड़ी फ्री है और अच्छे से चल रहा है तो समझ लीजिए कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, हम खोल लेते हैं पीछे का ढक्कन। क्या है दोस्तों, ये हमारा जो मोटर है वो एक साल हो चुके हैं, और इनका जो प्रॉब्लम है वो कैपेसिटर का ही लग रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर कमज़ोर होने से ये जो मोटर होता है वो स्लो चलता है। तो देखिए दोस्तों, हम दिखा देते हैं इसका जो कैपेसिटर है उसको। कैपेसिटर कितना का लगे है? 5 का लगा है, 5 का लगा है दोस्तों। और हम जो मार्केट से लाए हैं कैपेसिटर उसको दिखा देते हैं, 6 का है। और इनको हम यहाँ चेंज करने वाले दोस्तों, हम 6 का इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम 6 का लगा रहे हैं दोस्तों। आपके में 5 का लगा है तो आप 5 ही लगाइएगा। अगर वोल्टेज का कुछ कम मिलता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं 6 का भी, जिससे क्या है कि हमारी जो मोटर का स्पीड है वो थोड़ा सा और तेज़ हो जाता है। लेकिन वोल्टेज सही है दोस्तों तो बिल्कुल भी ना लगाएं, सेम ही लगाएं कैपेसिटर को। तो यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों, कैपेसिटर चेंज करके हमारा जो स्पीड है कूलर का वो आता है या नहीं आता है। हमको तो लग रहे हैं कि ये पूरा कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम है। आप जैसे ही निकालोगे कैपेसिटर को वैसे ही आपको कनेक्शन कर लेना है, यहाँ आपको देख लेना है अच्छे से जहाँ से आप कनेक्शन निकाले हैं वहीं पर, फिर इनमें की कोई भी तार को कहीं भी लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है दोनों साइड से। और आप इसका कनेक्शन कर दीजिए, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। तो देखिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको लगा लिए हैं, ऊपर से ये लगा देते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर है वो लग चुका है, अब इसे हम इसमें लगा के पीछे का ढक्कन लगा देते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे दोस्तों इस मोटर को ऑन करके। देखिए दोस्तों, हम अपने मोटर को ऑन कर दिए हैं, मोटर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका स्पीड बहुत तेज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कूलर का मोटर का जो स्पीड कम है उसे आप बढ़ा सकते हैं। केवल हम यहाँ कैपेसिटर ही चेंज किए हैं, और देखिए हमारी जो मोटर का स्पीड है वो काफ़ी तेज हो चुका है। हम बंद करके फिर से ऑन करके दिखा देते हैं आपको, काफ़ी स्पीड बढ़ चुका है दोस्तों। ऐसे प्रॉब्लम है तो आप भी कैपेसिटर चेंज करके अपने कूलर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।